Assalamu alaikum students. Recombination in the bacteria and their virus. हमने recombination bacteria recombinations को हमने start किया हुआ था. तो bacteria recombinations के methods हमने कुछ पढ़े थे, जिसमें हमने सबसे पहले conjugation पढ़ा था, transformation पढ़ा था और transduction पढ़ा था. इन methods को हमने detail से class में discuss कर लिया था. अगर मज़ीद आपको इसमें कोई confusion है तो आप further जो है वो WhatsApp पे या YouTube के through या किसी भी message के through, call के through, वो उस पर discuss कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो हमने आज पढ़ने हैं वो है mapping techniques in bacteria, यानी bacteria का जो हमने genome है उसको कैसे map करना, उसकी मैपिंग कैसे करेंगे, यानी जीन ए कहाँ पे है, जीन बी कहाँ पे है, यानी जीनोम मैपिंग मेन के हमने जीन की पोजीशन लोकेट करनी है कि कौन सी जीन किस पोजीशन पे है. फॉर एग्जांपल एक जीन है, अब हम कहते हैं यहाँ पे जीन ए है, ठीक है, यहाँ पे जीन बी है, यहाँ पे जीन सी है, यहाँ पे जीन डी है. अब हमें कैसे पता चलेगा, हम इसकी पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे कि ए जीन बी से कितने डिस्टेंस पे है, इनका डिस्टेंस कितना है, ए का सी से डिस्टेंस कितना है, ए का डी से डिफरेंस कितना है, डी का बी से डिस्टेंस कितना है. इस चीज़ को हम कहते हैं मैपिंग, मैपिंग करना, जीनोम की मैपिंग करना. तो बैक्टीरिया के अंदर दो मेथड्स हैं जीनोम की मैपिंग करने के लिए. एक को कहते हैं ब्रॉड स्केल क्रोमोसोम मैपिंग यूजिंग टाइम ऑफ एंट्री, और दूसरा है फाइन स्केल क्रोमोसोम मैपिंग बाई रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी. यानी एक को एक जो है वो डिपेंड करता है टाइम ऑफ एंट्री पे, दूसरा डिपेंड करता है रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के. तो दोनों मेथड्स को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ब्रॉड स्केल क्रोमोसोम मैपिंग यूजिंग टाइम ऑफ एंट्री, यानी टाइम ऑफ एंट्री से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जीनोम मैपिंग या जीन्स की लोकेशन क्या है, जीन्स का डिस्टेंस क्या है. तो दो साइंटिस्ट हैं, वॉलमैन एंड जैकब, इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो इंटरप्टिंग मैपिंग रिजल्ट है, इंटरप्टिंग मैपिंग रिजल्ट मीन कि ये कॉन्जुगेशन हुई है कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, ये इंटरप्ट हो जाए और यहाँ से जो जीनोम है ये साइड पर रह जाए और ये वाला जीनोम जो इस साइड पर चला जाए, और इसको हम कहते हैं इंटरप्टिंग मैपिंग. तो इंटरप्टिंग मैपिंग्स रिजल्ट्स के थ्रू हम डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं. तो इन्होंने कहा कि ये एक बेस्ट वे है, एक ईजी वे है कि हम जीन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इंटरप्टिंग मैपिंग के थ्रू फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे इन्होंने फाइंड किया इसको देखते हैं. इनके मुताबिक अगर हम जीनोम, ये देखिए ना ये जीनोम जा रहा है, ये कॉन्जुगेशन के थ्रू, ये एक एच एफ आर, ये एक एच एफ आर बैक्टीरिया में हमारे पास, और एक एफ प्राइम है, दो हमारे पास जो है ना वो एच एफ आर को भी हमने डिटेल से पढ़ा था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट जो हमारे पास है प्लाज्मा डेवलप होता है, और एफ प्राइम जो है ये भी हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है. तो यहाँ पे हमारे पास जो जीनोम है ये ट्रांसफ़र हो रहा है एच एफ आर से एफ प्राइम में, एच एफ आर से एफ प्राइम में. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये जीन्स हैं ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, इसको हम लेबल कर लेते हैं ए, ये हमारे पास बी, इसको सी, और इसको हम डी लेबल कर लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे देखें जीन ए को, जीन ए एंटर हो गई, अब बी जो है, ठीक है, बी भी एंटर हुई, ए एंटर होने के बाद जब बी जो है वो दूसरे बैक्टीरिया में दाखिल होगी तो ए और बी के दरमियान कितना टाइम है, यानी ए फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास जीन ए है, ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, ये अब ए जीन पहुंच गई है. अब इस पॉइंट पे जीन बी को यहाँ पे पहुंचने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं ना, यानी इसको लग रहे हैं 10 मिनट्स, तो ए जीन बी से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है. तो इसको हम, इसमें जो हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं ना वो मिनट्स का कर रहे हैं, यानी मिनट हम इसको इसमें शो कर रहे हैं कि 10 मिनट का इनके दरमियान डिस्टेंस है. तो जीन ए जीन बी से 10 मिनट के डिस्टेंस पे है. इसी तरह जब जीन जो है वो सी एंटर होगी तो उसका हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. यहाँ पे जो फाइंड हुआ है वो 17 मिनट है, ठीक है,
तो 17 मिनट के बाद जो जीन सी है वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। इसी तरह जो जीन डी है ठीक है, ये 25 मिनट के बाद ये जीन जो है ये हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हमारे पास एक हम मैप बनाएं ए बी सी और डी, यानी जीन ए को जीन बी को ठीक है कम से कम जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट लग रहे हैं इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए, जबकि जो जीन सी है इसको पहुंचने के लिए 17 मिनट लग रहे हैं, और जबकि जीन डी है इसको पहुंचने के लिए 25 मिनट लग रहे हैं। अगर ये जीन्स 25 मिनट में यहाँ से यहाँ पे पहुँच रही है तो इसका मतलब ये होगा कि ये इनके दरमियान एक डिस्टेंस मैप है। इस मैपिंग के मैप ही हमारे पास नज़र आ रहा है, यानी ये पॉइंट पे हमारे पास जीन ए है, ये बी, ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 10, और बी और सी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 7। इसी तरह इसके दरमियान भी और इसके दरमियान जो जो जीन्स आएंगी उनके दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करके एक इस तरह मैप बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ जीन्स लिखेंगे और उसके साथ उनका जो डिस्टेंस है टाइम है वो लिखेंगे, और वो इसको हम कहेंगे जीन मैप या जीनोम मैपिंग। दूसरा मेथड है फाइन स्केल क्रोमोसोम मैपिंग बाय रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि जो ऊपर पहले हमने पढ़ा है उसमें टाइम ऑफ एंट्री था, यानी कितना टाइम एक जो है वो जीन्स ले रही है कॉन्जुकेशन के दौरान एक बैक्टेरियम से दूसरे बैक्टेरियम में दाखिल होने के लिए। यहाँ पे हमने देखना है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है, रिकम्बिनेशन कितनी बार हो रही है, तो उसकी बेस पे हम यहाँ पे जो है वो मैप डिवेलप करेंगे। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए ना रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को, तो हमें दो तीन चीज़ें जो है वो जहन में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये है कि जो आमतौर पर रिकम्बिनेशन होती है ना यूकैरियोट्स में, जो यूकैरियोट्स में रिकम्बिनेशन होती है वो होल जीनोम होती है, ठीक है, यूकैरियोट्स में यानी मुकम्मल जीनोम जो है वो रिकम्बिनेट हो जाता है, उसमें रिकम्बिनेशन कंप्लीट यानी वोल रिकम्बिनेशन, यानी डब्ल्यू से वोल और आर से वोल रिकम्बिनेशन होता है, यानी मुकम्मल जो है वो जीनोम रिकम्बिनेट हो जाता है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में इस तरह नहीं होता। बैक्टीरिया के केस में क्या होता है कि एक बैक्टेरियम जो है फॉर एग्जाम्पल ये एच एफ आर है और ये हमारे पास एफ प्राइम है, ठीक है, एच एफ आर जो ये है डोनर और ये रेसिपिएंट है, ठीक है, डोनर जो है वो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट जीन ट्रांसफ़र करेगा, जबकि जो रेसिपेंट है इसमें ये मुकम्मल जीन्स हैं, ठीक है, यानी ये मुकम्मल जीनोम ये हो गया और ये इनकम्प्लीट जीनोम हो गया। अब हमारे पास एक सेल के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन के बाद एक जीनोम ये हमारे पास आ गया और एक जीनोम ये आ गया, ठीक है, ये एक कम्प्लीट है और एक इनकम्प्लीट है। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जाइगो मेरोजाइगोट्स, ठीक है, इस कंडीशन को हम कहेंगे मेरोजाइगोट्स, यानी ये जो कंडीशन हमारे पास बनी है जिसमें एक कंप्लीट डीएनए है और एक इनकम्प्लीट डीएनए है और ये डिप्लॉइड कंडीशन को शो कर रहे हैं, तो ये क्या है मेरोजाइगोट कंडीशन। अब ये जो एक्स कॉन्जुगेट हमारे पास बना है, ये एक्स कॉन्जुगेट हमारे पास बना, एक्स कॉन्जुगेट मेन कॉन्जुगेशन के बाद जो हमारे पास एक्स कॉन्जुगेट बन गया, ये एक्स कॉन्जुगेट हमारे पास बना है, ठीक है। अब ये जो एक्स कॉन्जुगेट बना है इसको जो डोनर डीएनए है ना, यानी ये मुकम्मल तौर पे चेंज होने के लिए इसके लिए एक शर्त है
कि ये जो डीएनए है, जो डोनर डीएनए है, ये मुकम्मल तौर पे इनकॉर्पोरेट हो जाए या रिकम्बिनेट हो, रिकम्बाइन हो जाए रेसिपिएंट डीएनए के साथ। अगर ये रेसिपिएंट डीएनए के साथ रिकम्बाइन नहीं करता तो ये परमानेंटली इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। परमानेंट इसकी फीचर जो हैं, इसके जो ट्रेड्स हैं, वो दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। यहाँ पे एक और आपने बात याद रखनी है कि जो ये नीचे नोट लिखा हुआ देखें, हाउएवर नोट दैट टाइम ऑफ एंट्री मैपिंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन आर रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने पहला मेथड पढ़ा टाइम ऑफ एंट्री का, यहाँ पे जो मैपिंग है रिकम्बिनेशन की बेस पे नहीं है, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बेस पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अभी हम जो मेथड पढ़ रहे हैं, ये रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर है। इन डेट द यूनिट्स आर मिनट्स, इसमें जो हमने यूनिट्स पढ़ा था मिनट था, नॉट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, लेकिन रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं था। नेवर्थलेस इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ मोर फाइन स्केल टाइप ऑफ द मैपिंग इन बैक्टेरिया, एंड दिस इज़ द मेथड्स टू विच वी नो रन। यानी ये वो मेथड है जिसको हमने डिटेल के साथ रन करना है। तो इस रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो मेथड है मैपिंग का, इसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। यानी सबसे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की वो क्या हैं, कि एक तो एक्स कॉन्जुगेट का हमें पता चल होना चाहिए, और एक्स कॉन्जुगेट क्या होता है। अब यहाँ पे देखें, एक्स कॉन्जुगेट जो हमारे पास, ये हमारे पास जो दो डीएनए है, ठीक है, इनकी कॉन्जुगेशन हुई। अब कॉन्जुगेशन के बाद ये जो हमारे पास नया बैक्टीरियम बना है, या नया जो बैक्टीरियम जिसके अंदर जीन ट्रांसफ़र हुई है, दोनों डीएनए आ गए हैं, ठीक है, यानी एक होल जीनोम है और एक इनकम्प्लीट जीनोम है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं एक्स कॉन्जुगेट। अब इसमें एक डोनर है और एक रेसिपेंट है। जो डोनर है ना उसको हम कहेंगे एंडो जुनेट्स, ठीक है, और जो रेसिपेंट है उसको एक्सो जुनेट्स कहेंगे। अब रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सम स्पेशल फीचर्स ऑफ द रिकम्बिनेशन इवेंट्स इन द बैक्टीरिया। कुछ इवेंट्स को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले है मीरोजाइगोट स्टेज, ये क्या होती है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि ये अभी देखें, ये हमारे पास ये एक डीएनए है, सॉरी बैक्टीरियम है, और ये एक एचएफआर है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन, और एफ फैक्टर एफ प्राइम वाला, ये एचएफआर बैक्टीरियम है और ये एफ प्राइम वाला बैक्टीरियम है। इनके दरमियान कॉन्जुगेशन हुई। कॉन्जुगेशन के बाद क्या होगा कि इसका जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होके यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी सर्कुलर डीएनए अवेलेबल है। अब ये जीन्स यहाँ पे इंटरप्टिंग मीटिंग होगी। इंटरप्टिंग मीटिंग मीन कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसको इंटरप्ट कर देंगे। तो यहाँ से जितना ये डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है वो कट ऑफ हो जाएगा, और बाकी जो डीएनए है वो हमारे पास जो है दूसरे इसमें आ जाएगा, बैक्टीरिया में। अब ये जो नया बैक्टीरियम हमारे पास आया है, इसको हम कहते हैं एक्स कॉन्जुगेट। यानी कॉन्जुगेशन के बाद जो हमारे पास नया बैक्टीरियम बना है जिसके अंदर जीन्स ट्रांसफ़र हुई है, उसको एक्स कॉन्जुगेट कहते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर देखें तो हमें आपको नज़र आएगा कि इस पे ना एक तो बैक्टीरियम ये इसका अपना है एफ प्राइम का, और दूसरा क्या है, इसके ऊपर एक और बैक्टीरियम आके इनकॉर्पोरेट हो गया। दो बैक्टीरियम हो गए ना, तो इसको हम कहेंगे डिप्लॉयड स्टेज। यानी हैप्लॉयड नहीं है, डिप्लॉयड होगी। एक डीएनए इसका अपना हो गया, वो सेम कॉपी उसकी जो है वो ये इस डीएनए की सेम कॉपी होगी वो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम डिप्लॉयड, इस स्टेज को हम कहते हैं म्यूरोजाइगोट स्टेज, ठीक है। एक बात तो ये समझ आ गई हमें कि म्यूरोजाइगोट स्टेज क्या होता है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि रिकम्बिनेशन जो है ना, ये डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन द टू होल जीनोम्स, जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि मुकम्मल जीनोम के अंदर रिकम्बिनेशन होती है, दोनों मुकम्मल जीनोम्स में रिकम्बिनेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट टेक प्लेस बिटवीन द टू होल जीनोम्स। इसमें क्या होता है, एक जो बैक्टेरियम है उसका कम्प्लीट जीनोम, और दूसरे बैक्टेरियम का इनकम्प्लीट जीनोम जो है इसमें, इसके दरमियान रिकम्बिनेशन होती है। अब कंप्लीट जीनोम जो है ये एफ प्राइम का, ठीक है, एफ प्राइम जो बैक्टीरियम है
एफ प्राइम वाला जो बैक्टीरियम है, ठीक है, ऐसा जो बैक्टीरियम जिसमें एफ प्राइम है, तो वो उसमें जो रिकम्बिनेशन होगी वो कंप्लीट होगी, उसमें उसका कंप्लीट जीनोम यूज़ होगा, जबकि जो एफ एच एफ आर है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है, ठीक है, प्लाज्मिड, इसका जो एच एफ आर ये डोनर के तौर पे काम करेगा, यहाँ पे यूज़ होगा, तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सोजिनोट्स, ठीक है, ये एक्सोजिनोट होगा, और जो एफ प्राइम है इसको एंडोजिनोट होगा। तो यहाँ पे एक और बात जो आपने ध्यान में रखनी है, द सेल एट दिस स्टेज हैज़ अ टू कापीज ऑफ द वन सेगमेंट ऑफ द डीएनए। इस स्टेज के ऊपर एक सेगमेंट डीएनए की दो कापियाँ होती हैं, वन कापी इज एक्सोजिनेट, अब ये कापी क्या है, एक्सोजिनेट है, और ये कापी एंडोजिनेट्स हैं,